रिकॉर्डिंग नहीं लगाई। तो मेरे बेटा ये हमारा क्वेश्चन ये था, अजीत ब्रिजेश और चांदनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:1:1 इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड रिमाइंडर बाय द अथॉरिटीज दे कैप्ट डंपिंग हजार्डस मटेरियल इनटू नियरबाय रिवर। तीन बंदे अजीत ब्रिजेश और चांदनी और 3:1:1 का इनका रेशियो है, ठीक है, और ये क्या करते थे, नदी में अपना कूड़ा कबाड़ा बहाते थे, और जबकि क्या कर रहा था सरकार, इन्हें बार बार मना कर रही थी कि भैया ऐसा काम मत करो मत करो मत करो। तो द कोर्ट ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च 2013। कोर्ट ने बोला तुम मानोगे नहीं तो तुम्हारी फर्म को खत्म ही करते हैं, ठीक है। द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वॉज फाइनेंशियल पोजिशन दैट मीन बैलेंस शीट दी गई है। अब आपको पता लग चुका है कि क्वेश्चन डिसोल्यूशन का है, और मैंने पहले बताया था करना कुछ नहीं होता, सीधा मुंह उठा लेना है, मुंह उठा लेना है, और क्या बना देना है, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अब तुम्हें पता है ना एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है, चलो जी तो भैया ट्रांसफर करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटी को। देखो मेरे बेटा जी, यहाँ पे लिखा है एसेट, निशांत मुझे बताना, निशांत एसेट में क्या कैश रियलाइजेशन में जाता है? निशांत नहीं सर, नो नहीं, नो क्योंकि उसका सेपरेट अकाउंट बनता है, ठीक है। गुनिका मुझे बताना क्या डेटर और प्रोविजन रियलाइजेशन में जाता है? यस सर, जाएंगे। जाएंगे, डेटर अलग जाएगा गुनी का, और प्रोविजन अलग जाएगा। स्टॉक जाता है गुनी का, यस सर, फर्नीचर यस। और बाकी सेंटी सेट भी जाएंगी। कौन सा आइटम नहीं जाते थे? जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे या फिर जिनका सेपरेट अकाउंट बनता है वो नहीं जाते, बाकी सब जाने वाला है। अच्छा कोई पीछे बैलेंस शीट तो नहीं दे रही, ये भी देख लेते हैं, नहीं पीछे तो बैलेंस शीट नहीं दे रही, ठीक है आ जाओ। चलो जी ट्रांसफर करते हैं, लिखते हैं आगे तरफ क्या, यहां लिखते हैं टू सेंड्री, टू सेंड्री एसेट्स, क्लियर है, टू सेंड्री एसेट। बताओ जी सबसे पहले कौन सा था यहाँ पे, डेटर, डेटर अलग और उसका प्रोविजन अलग। चलो जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्लियर है, 48,400, 48,400 एंड 20,400। उसके बाद क्या लिखा है, स्टॉक फर्नीचर सेंड्री एसेट, ठीक है, यहाँ ये स्टॉक फर्नीचर और सन्ड्री एसेट। अमाउंट कितनी कितनी है बोलो जल्दी जल्दी, अमाउंट दे रखी है 15,600, 2,000 और 34,000, 15,600, 2,000 और 34,000, टोटल उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, 48,400 प्लस 15,600 प्लस 2,000 प्लस 34,000, ये कितना हो गया मेरे बेटा जी, टोटल 1,00,000 रुपये। हिमांशी मेरी आवाज आ रही है? जी सर। चलो अब तुम मुझे इतना बताना लायबिलिटी कौन कौन सी जाएंगी कौन कौन सी नहीं जाएंगी। अगली आवाज हिमांशी जी की, हाँ जी, क्या हिमांशी क्रेडिटर जाएंगे? जाएंगे, लोन, लोन भी जाएगा, हाँ क्या बोला था, कौन सा लोन नहीं जाता याद है कुछ? हाँ पार्टनर्स लोन नहीं जाता। सारे लोन जाते हैं सर, पार्टनर लोन नहीं जाते, और कैपिटल तो जाएगा ही नहीं क्योंकि इसका अलग अकाउंट बनता है। 12,000 और 3,000 लिख दो जी, क्रेडिटर 12,000, लोन 3,000, टोटल हो गया ये 15,000। अब डेबिट को हटाने के लिए क्रेडिट, क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट, करो 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 ना। हाँ जी रियलाइजेशन के पॉइंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है रियलाइजेशन के पॉइंट, देखो ये रहे, क्या लिखा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अजीत वॉज टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹1,600। अजीत पार्टनर है, वो कह रहा है कि भैया मैं फर्नीचर लेके जा रहा हूँ 1,600 में, और कह रहा है कि मैं डेटर भी लेके जा रहा हूँ 40,000 वाले डेटर, कितने में लेके जा रहा है, 40,000 वाले डेटर 34,200 में। द क्रेडिटर और 12,000,
were to be paid by him at this figure. अब देखो, अजीत कह रहा है मैं फर्नीचर लेके जा रहा हूँ, अजीत कह रहा है मैं डेटर लेके जा रहा हूँ, और अजीत कह रहा है कि मैं क्रेडिटर भी लेके जा रहा हूँ. कोई बात नहीं, मैंने बोला था ना कोई पार्टनर ले जाता है तो ले जान दो. हाँ जी, एसेट है डेबिट, हटाने के लिए क्रेडिट. पार्टनर फ्री फंड में लेके जा रहे थे, क्या हो गई ड्रॉइंग, और ड्रॉइंग की एंट्री लगेगी कैपिटल के थ्रू. क्या क्या लेके जा रहा है अजीत? अजीत एक तो फर्नीचर लेके जा रहा है 1600 रुपये में, 2000 वाला फर्नीचर, और डेटर लेके जा रहा है. देखो जी, डेटर कितने रुपए के यहाँ? डेटर है 48,400 के, 48,400 के हैं. 48,400 में से, 48,400 में से, सुन लो ये रफली लिख देता हूँ, 48,400 में से 40,000 वाले डेटर ये ले गया 34,200 में ले गया. है ना, ऐसे लिखा है ना? हाँ जी, 34,200 में ले गया. तो जितने में ले गया वो फिगर आउट करा जाएगा. बात क्लियर हो गई? 1600 प्लस 34,200, ये कितना आ गया? 35,800. बात क्लियर हो गई? एक मिनट रुकना. हेलो, हाँ जी, हाँ मैम करिए. अभी जस्ट अभी मैम वही रिया का ही बैच चल रहा है, मैं बाद में बात कर लूँ, ठीक है मैम? कोई बात, ओके मैम. हाँ जी. अब क्या हुआ है, अब क्रेडिटर है क्रेडिट, हटाने के लिए क्या करेंगे मेरे बेटा? डेबिट. अच्छा, क्रेडिटर को भी कौन उठा के ले गया भैया जी? अजीत भैया ले गए, अजीत भैया ले गए क्रेडिटर. कितने रुपए में भैया? अमाउंट दे रखी है, एक बार देख लेते कितने में लेके जा रहे हैं. 12,000 वाली क्रेडिटर अमाउंट 12,000 ही दे रखी है. देखो पहले नंबर वन पढ़ लो, देखो आराम से, 12,000 ही दे रखी है. लो जी, ये हो गया जी 12,000 रुपए. क्लियर है? अब आते हैं पॉइंट नंबर सेकंड पर. क्या लिखा है? ब्रजेश वॉज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक एट 14,000. ब्रजेश सारा स्टॉक लेके जा रहा है कितने में? 14,000 रुपए में. एंड एंड, ध्यान से पढ़ना सभी बच्चों, क्या लिखा है? लिखा है एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट. सम, सम लिखा है, सम कुछ सन्ड्री एसेट लेके जा रहा है कितने में? 14,400 में. ब्रैकेट में लिखा है बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू. इसके बारे में बकवास बाद में करेंगे, पहले तो ब्रजेश स्टॉक और एसेट लेके जा रहा है. चलो जी, स्टॉक और एसेट क्या है? डेबिट. हटाने के लिए क्या कर देंगे? क्रेडिट. क्या लिखे? बाय ब्रजेश कैपिटल अकाउंट. क्लियर है? क्या लेके जा रहा है? सम, एक तो स्टॉक लेके जा रहा है वो, ठीक है ना, 14,000 रुपए में. अच्छा, और कह रहे थे कोई सेंड्री एसेट दे रही, सेंड्री एसेट, सारी एसेट लेके नहीं जा रहा, कुछ सेंड्री एसेट, कुछ कुछ कितनी वो नहीं पता, लेकिन जा कितने में रही है? 14,400 में. तो टोटल हो गया मेरे बेटा 14 + 14,400, 28,400 में मान लीजिए ब्रजेश. क्लियर है? वो कुछ कितनी ये नहीं पता. नाउ नंबर थर्ड पे आओ. क्या लिखा है? चांदनी टुक ओवर, चांदनी टुक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट बुक वैल्यू. ठीक है जी, एट बुक वैल्यू. सुन लो मेरे बच्चे, मैं इसमें ना कुछ नई बात ही बताऊंगा जो तुम्हारी बुकों में है. ऐसा क्वेश्चन सेम तुम्हारी बुकों में, टीएस गोपाल के अंदर दो इलस्ट्रेशन छपी हुई हैं और एक दो क्वेश्चन छपे हुए, मतलब कुल मिला के 3 से 4 वेराइटी एक जैसी है. चांदनी रिमेनिंग सन्ड्री एसेट लेके जा रही है बुक वैल्यू पर. अब यू क्या बवाल है जरा ये समझा दियो. देखो जी, यहाँ पर लिखते हैं मेरे बेटा, देखो मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ. यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट. क्या लिखते हैं मेरे बेटा जी? वर्किंग नोट, ठीक है. और वर्किंग नोट में हैशटैग #1 क्या लिखते हैं? रियलाइजेबल अमाउंट ऑफ, रियलाइजेबल अमाउंट ऑफ सन्ड्री एसेट टेक ओवर बाय चांदनी. ओ मेरी चांदनी. देखो जी, टोटल टोटल सन्ड्री एसेट कितने की थी जो आपकी बैलेंस शीट में दे रखी है? ध्यान से देखो, टोटल सन्ड्री एसेट दे रखी है यहाँ. देखो
एसेट साइड में देखो 34,000 रुपीज की। अब लिखा हुआ था यहां पर कुछ सेंडरी एसेट कौन ले गया था, ब्रिजेश, मतलब सम सेंडरी एसेट्स टेक ओवर बाय ब्रिजेश। कुछ सेंडरी एसेट कौन ले गया था, ब्रिजेश ले गया था, वो 14,400 में ले गया था, लेकिन वो कुछ कितने थे ये नहीं पता। देखो अब समझने का तरीका देखो जैसे मैं समझा रहा हूँ। देखो मेरे बेटा टोटल थी 34,000, टोटल में से कुछ ले गया था ब्रिजेश, कुछ ले गया था ब्रिजेश, जो बच गई वो लेके जाएगी चांदनी। मेरी बात करो, कुछ ले गया ब्रिजेश और जो बच गई वो लेके जाएगी चांदनी। अब ब्रिजेश लेके गया था 14,400 रुपए में, 14,400 में लेके गया था, बड़े 14,400 वाला सामान था कितने का ये नहीं पता। इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है मेरे बेटा वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक बार क्वेश्चन में दोबारा आता हूं मैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़ो पॉइंट नंबर सेकंड में, कि सम सन्ड्री एसेट ब्रिजेश लेके जा रहा है एट 14,400 में, 14,400 में बीइंग 10% लेस देन दी बुक वैल्यू। मतलब जितनी, मतलब जो भी बुक वैल्यू है, जो भी सामान लेके जा रहा है इसकी जो बुक वैल्यू है उसमें 10% लेस करके लेके जा रहा है। अब देखो मुझे बुक वैल्यू तो पता नहीं है, मैंने मान लिया लेट बुक वैल्यू टेक ओवर, लेट बुक वैल्यू टेक ओवर बाय ब्रिजेश। ब्रिजेश ने बुक वैल्यू टेक ओवर करी कितनी, एक्स। तो क्या है, एक्स में से एक्स का 10% लेस करके लेके जा रहा है। और मतलब एक तरीके से अगर एक्स वैल्यू है, ठीक है, एक्स में से 10% लेस करके जो वैल्यू आएगी उतने में कौन लेके जा रहा है सामान, वो ब्रिजेश। अच्छा, और कितने में लेके जा रहा है, वो अमाउंट दे रखी है 14,400 में। जरा इसको सॉल्व करना मेरे बेटा जी, एक्स माइनस एक्स बाई 10। पहले तो मुझे इतना बताओ यहाँ तक जो दिक्कत है तो बताओ, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, जिसको कंफ्यूजन है वो बोले बस, जल्दी बोलो मेरे बेटा। और नहीं बोल रहे तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, टोटल बुक वैल्यू में से कुछ बुक वैल्यू ये ले गया, कुछ बुक वैल्यू ये ले गई, ये वाली बुक वैल्यू कितने में जा रही है, 14,400 में, ठीक है। अब ये 14,400 निकले कैसे हैं, बुक वैल्यू में से एक्स मान ली मैंने, उसमें से 10% लेस करके आ रही है अमाउंट, क्लियर है। तो बेटा जरा करना, इज इक्वल टू 14,400 10x माइनस एक्स, ये आता होगा आपको सॉल्व करना, मैथ में सीखा होगा आपने, एक्स इज इक्वल टू 14,400 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 9। करना मेरे बेटा 14,400 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आपका आ गया मेरे बेटा जी 16,000 रुपए। कितना आ गया मेरे बेटा जी, 16,000 रुपए। यानी कि जो चीज 14,400 की थी, अब देख लो जो चीज 14,400 की लेके गया है उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 16,000। 16,000 में से 10% 1600 लेस कर दो तो 14,400 में कौन लेके जा रहा है, ये बी, हाँ जी ब्रिजेश। यानी कि तो यानी कि 34,000 में से 16,000 का सामान ब्रिजेश ले गया, तो 34 में से 16,000 लेस कर दो, बचा कितना 18,000 का सामान, वो कौन लेके जा रहा है, चांदनी, टेक ओवर बाय चांदनी, टेक ओवर बाय। अच्छा चांदनी कितने में लेके जा रही है, क्या लिखा है पढ़ना जरा पॉइंट नंबर थर्ड में, चांदनी लेके जा रही है एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू मतलब 18,000 की बुक वैल्यू हुई थी उतने में लेके जा रही है। अच्छा मतलब एक तरीके से चांदनी तो 18,000 का सामान 18 में लेके जा रही है, ना कम में ना ज्यादा में। अच्छा अगर क्वेश्चन में मिलता कि 18,000 की चीज वो 90% पे लेके जा रही है, इसका मतलब क्या हो, 10% कम करके तो 18,000 का 90% निकाल दो, 16,200 रुपए में, तो आप कितने लिखते, 16,200 में लेके जा रही है, लिख। अब देखो फिलहाल तो आप यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे बाय चांदनीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो सेंडरी एसेट, वो जितने में लेके जा रही है, 18 की चीज वो तो 18 में लेके जा रही है, अगर बोलते 90% में लेके जा रही है, 10% कम करके लेके जा रही है तो 16,200 लिख देते। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि 90% लेस 200 रुपए, ऐसे लिखा होता है, तो 18,000 का 90% निकालो और लेस 200 कर दो, तो फिगर कितनी निकल कर आती, 16,000 निकल कर आती। मतलब ये लैंग्वेज है मेरे बेटा और कुछ नहीं है, लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड है सारी बातें।
हाँ जी, क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलो बच्चों। यस सर। चलो जी, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। क्या लिखा है? द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन वर रुपीज 540। आपको डिसोल्यूशन की एक्सपेंस दर के 540 एंड द रिमेनिंग डेटर वर सोल्ड टू डेट कलेक्शन एजेंसी फॉर 450% ऑफ द बुक वैल्यू। देखो जी, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 540। डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बारे में कुछ नहीं बोला, मेड बाय या पेड बाय। तो क्या मानोगे? मेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म। फर्म का ही बनता है और फर्म ने पे किया। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने रुपए मेरे बेटा जी? 540। क्लियर ही नहीं है? अच्छा जी, और एक बात और समझ लेना। कह रहे रिमेनिंग डेटर, देख लो 48,400 के डेटर थे मेरे बेटा जी। 48,400 में से 40,000 वाले डेटर कौन ले गया था? अजीत ले गया था। 40,000 वाले डेटर कौन ले गया था? अजीत ले गया था। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? 40,000 वाले डेटर कौन ले गया था? अजीत ले गया था। ठीक है, लेकिन 8,400 के तो बच रहे हैं ना। 48,400 में से 40 वाले तो 34,200 में चले गए, 8,400 के बच रहे हैं। अब कह रहे रिमेनिंग डेटर बेग डाले तुमने, कितने में? 50% ऑफ द बुक वैल्यू। देखो जी, कितना लिखा है? 50% ऑफ द बुक वैल्यू। आ जाओ, क्योंकि डेटर है डेबिट, हटाने के लिए क्रेडिट। क्या लिखोगे? बाय कैश या बैंक अकाउंट। चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना डेटर। ये जो मैं ब्रैकेट वाला आइटम लिख रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है तुम लिखो, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 8,400 के डेटर थे, आधे रेटों में बेच दिए, यानी कि 4,200 में बेच दिए। किसे? डेट कलेक्शन एजेंसी को। आपको पता है, पूछा जा सकता है कि डेट कलेक्शन एजेंसी होती क्या है, तो बोल देना डेट कलेक्शन एजेंसी वो एजेंसी होती है जो वसूली का काम करते हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं, जब तुम अपने डेटर से पैसा नहीं निकलवाते ना, तो तुम्हारे डेटर को ये लोग खरीद लेते हैं और ये क्या करते हैं, तुम्हें कुछ पेमेंट, जैसे तुम्हें तो आधी पेमेंट कर दी, और फिर वसूली ये करते हैं। क्लियर है? और ये ज्यादा वसूली कर जाते हैं तो उनका मार्जिन निकल जाता है। मेरी बात क्लियर हो गई? फिर एक बात मैंने समझाई थी, नहीं भी समझाई थी तो भी सीख लो। मैंने बोला था अगर किसी एसेट के बारे में नहीं बोला जाता कि उसकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, तो आप खुद चल के पूरी पूरी पेमेंट करोगे। सॉरी, अगर किसी एसेट के बारे में नहीं बोला जाता तो तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं है कि एसेट बिकी है नहीं बिकी है। लेकिन अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं बोला जाता, जैसे लोन, लोन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो आपको खुद चल के पूरी पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। 3,000 रुपये टोटल हो गए, 3,540। बस मेरे बच्चों निकाल दो, प्रॉफिट आएगा या लॉस? 1,12,000 एड लेस करना और कुछ नहीं करना, माइनस 24 जैसे रिवॉल्यूशन में करते थे, 15,35,800, 28,400, 18,42। लो जी लो, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, तुमका लॉस हुआ है। क्लियर है? 11,740। और भैया ये बांट दो तीनों बंदों में। तीन बंदे कौन है? अजीत, ए बी सी, अजीत ब्रिजेश और चांदनी। 3:1:1 का रेशियो है। अजीत ब्रिजेश चांदनी टोटल कर देना। टोटल करना भूल न जाना, लर्नोविट की डिजिटल क्लासेस में ही आना। हाँ जी, अब मुझे सभी बच्चे बताएं, ठीक है, क्या इसके आगे आप कंटिन्यू कर लोगे? मेन अकाउंट जो मुझे समझाना था वही कैलकुलेशन थी जो मैंने समझा दी। क्या इसके आगे तुम कंटिन्यू कर लोगे? हाँ जी, गुनिका, हिमांशी, निशांत, रिया, बोलो ना कुछ। हाँ जी सर। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैश बैंक तो बना लोगे ना? हाँ जी। चलो जी, ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी एक क्वेश्चन और हो जाएगा ऐसे रिलाइजेशन का। अगेन इसको, अगेन इस मीटिंग को ज्वाइन करो। मेरी बात क्लियर हो गई? मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, अगेन मीटिंग को ज्वाइन करो।